जब भी कोई परमात्मा की याद में बैठता है, जब भी कोई परमात्मा के योग में बैठता है, तो उसकी बंदी बातें, व्यर्थ संकल्प सामने आते हैं। वो उसमें कोई नई नहीं आती हैं, वो उसमें भरी हुई होती हैं। उसके मन में वो नाम निकाल रहा है और वो सब निकलेंगे तभी तो फिर मन निर्मल होगा। योग में रहते परमात्मा की शक्तियों को आप लेंगे तो आपके अंदर जो भी मैल है वो निकलने से पहले कहीं ना कहीं अंदर भी तो आएगी। तो योग लगाने का मतलब ही है परमात्मा की याद में बैठना, माना उसके जो महावाक्य हैं, जो परमात्मा की श्रीमत है, उस श्रीमत से दोबारा वो विकर्म नहीं करना या वो गंदे काम नहीं करना। मान लीजिए आपके अंदर परमात्मा की योग में बैठे हैं तब भी कोई गंदी बात आ रही, कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा है, कोई पुरानी बात जो आपसे हुई है वो याद आ रही है, तो आपको उसे धैर्यता पूर्वक शांति से उस परमात्मा की याद में बैठे रहना है। उस परमात्मा की याद में रहते हुए उन सारे व्यर्थ संकल्पों को और सारे अंदर गंद जो आपके मन में विचारों में है उसे इस परमात्मा की याद से बाहर निकालना। दूसरी बात, हमारा मन वहाँ वहाँ जाता है जहाँ जहाँ हमने अपनी प्रीता रखी है, प्रीत जिससे रखी है ना, वहाँ वहाँ हमारा मन जाता है। तो जो आपने कभी बचपन से मांस मदिरा नहीं खाई तो आपका मन उस तरफ कभी नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी आपके अंदर उसका भाव आपके अंदर बैठा ही नहीं है, उस तरह की भावना आपके अंदर थी ही नहीं, तो मन उस तरफ नहीं जाएगा।